नमस्ते और स्वागत है आपका इस सीरीज़ के पांचवें एपिसोड में। ये एक 6-पार्ट वीडियो सीरीज़ है जिसमें मैं आप सभी के साथ मेरा करंट ट्रेनिंग रूटीन डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेरे सेकंड पुश वर्कआउट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें मैं मेरे शोल्डर्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए मेरी अपर चेस्ट एंड डिफरेंट ट्राइसेप्स पार्ट्स को ट्रेन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए पहले इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स को जाकर देखिए, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के वर्कआउट की शुरुआत करने से पहले भी मैं अपने शोल्डर जॉइंट्स, रिस्ट एंड ट्राइसेप्स को अच्छे से वार्म अप करता हूँ। यहाँ पर मैं जो वार्म अप रूटीन मेरे पुश डे 1 पर लगाता हूँ उसी को रिपीट करता हूँ। आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस। मैं अपना मेन वर्किंग सेट लगाने से पहले 3 से 4 वार्म अप सेट्स लगाता हूँ। इंक्लाइन बेंच प्रेस हमारे अपर चेस्ट मसल्स पर फोकस करती है एंड साथ में हमारे एंटीरियर डेल्टोइड्स यानी कि फ्रंट शोल्डर्स को भी एक्टिवेट करती है। किसी भी तरह की बेंच प्रेस लगाते हुए अगर आप सेफली ट्रेन करना चाहते हैं तो किसी स्पोर्टर को अपने पीछे रखें ताकि आपके लास्ट 1 या 2 रेप में अगर आप बार को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो उसको ऊपर उठाने में वो आपकी हेल्प कर दें। सेकंड एक्सरसाइज में लगाता हूँ फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। मेरे हिसाब से चेस्ट मेरी बॉडी का सबसे वीक पार्ट है, इसीलिए मैं चेस्ट को ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज को लगाते हुए एल्बोज एंड बॉडी के बीच में 45 डिग्री एंगल बनाकर डंबल्स को मिडिल चेस्ट के बराबर में नीचे लेकर जाएं एंड एल्बोज को बॉडी के पैरेलल से नीचे ना जाने दें। अगर आप अपनी एल्बोज को बॉडी से ज़्यादा दूर रखते हैं तो चेस्ट से ज़्यादा आपके शोल्डर्स एक्टिवेट होंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। आज की थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। ये एक्सरसाइज अपर चेस्ट डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड साथ में ये हमारे फ्रंट डेल्टोइड्स को भी एक्टिवेट करती है। इसके मैं 10-12 रिपीटेशन के 3 सेट्स लगाता हूँ। आज के दिन की फर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइज होने वाली है सीटेड आर्नोल्ड प्रेसेस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोल्डर एक्सरसाइजेज फॉर शोल्डर डेवलपमेंट। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के तीनों पार्ट्स एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर डेल्टोइड्स यानी कि फ्रंट, मिडल एंड रियर शोल्डर्स को ट्रेन करती है। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज इसको किसी ऐसी बेंच पर परफॉर्म करें जिसमें पीछे बैक सपोर्ट मौजूद हो। अपनी चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालें एंड अपनी बैक में एक स्लाइट आर्च मेंटेन करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डंबल लेटरल रेजेस। ये एक्सरसाइज आपके लेटरल डेल्ट्स यानी कि मिडिल शोल्डर को एक्टिवेट करती है, जो कि आपकी बॉडी को वी शेप लुक देने में हेल्प करते हैं। इस एक्सरसाइज को लगाते हुए एक ऐसा वेट सेलेक्ट करें
जिसमें आप बिना मोमेंटम का इस्तेमाल किए 10 से 15 रैप के बीच में फेलियर तक जा सके। डंबल्स को ऊपर लाने के बाद एक सेकंड का होल्ड करें एंड आराम से नीचे लेकर जाएं। आज की फर्स्ट ट्राइसेप्स एक्सरसाइज है लाइंग इजी बार स्कल क्रशर्स। इसको लगाने से पहले मैं ट्राइसेप्स पुश डाउन्स का एक छोटा सा वार्म अप सेट लगाता हूँ ताकि मेरे मेन वर्किंग सेट से पहले मेरे ट्राइसेप्स अच्छे से वार्म अप हो सकें। स्कल क्रशर्स हमारे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को एक्टिवेट करती है जो कि ट्राइसेप्स की सबसे बड़ी मसल है। इस एक्सरसाइज को ईजी बार के साथ लगाने से आपकी रिस्ट पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता है। बार को अपने शोल्डर विड्थ के सामने से पकड़ें, अपनी एल्बोज़ को अपने शोल्डर से थोड़ा पीछे की साइड पोजीशन करें, एल्बोज़ को स्टेबल रखते हुए बार को स्लो टेम्पो के साथ ऊपर एंड नीचे लेकर जाएं। आज के वर्कआउट की सेकंड एंड लास्ट ट्राइसेप्स एक्सरसाइज है रिवर्स ग्रिप ट्राइसेप्स पुश डाउन्स। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स के मीडियल एंड लेटरल हेड्स को एक्टिवेट करती है। एल्बोज़ को बॉडी से हल्का सा आगे की तरफ स्टिल रखते हुए स्लो टेम्पो के साथ बार को नीचे लेके जाएं। एक सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से ऊपर लेकर आएं। इसके लास्ट सेट में मैं एक ड्रॉप सेट लगाता हूँ। आज के दिन की लास्ट एक्सरसाइज में मैं अपने लोअर एब्स को ट्रेन करता हूँ। हैंगिंग लेग रेजेस के साथ मैं लाइंग लेग रेजेस का सुपर सेट लगाता हूँ। ये दोनों ही एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स को ट्रेन करती हैं और इसके मैं 10-15 रैप्स के बीच में लगाता हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा रैप्स लगा पा रहे हैं तो अपने फीट के बीच में 2.5 kg का डंबल लगाकर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मूड एंड टाइम मैं एब्स को वीक में 2-3 बार ट्रेन करता हूँ। जो एब रूटीन मैं मेरे पुश डे 1 पर लगाता हूँ उसको मैं वीक में 2 बार रिपीट करता हूँ एंड थर्ड एब वर्कआउट में मैं मेरे लोअर एब्स को ट्रेन करता हूँ। आप अपने एब वर्कआउट को अपने हिसाब से वीक में पोजिशन कर सकते हैं, बट ध्यान दें कि आपके 2 एब वर्कआउट के बीच में एटलीस्ट 48 आवर्स का गैप हो। सो दिस वॉज माई सेकेंड पुश वर्कआउट विच आई करंटली फॉलो टू गेन मसल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड ये आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ऑल्सो कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरी है तो मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।